अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको 127 सर्विस कार एरर इन प्रिंटर OKI B412 के अंदर को कैसे रिजॉल्व करते हैं इसका तरीका बताऊंगा। ये हमारे पास एक OKI का प्रिंटर है B412। ये देखें, ये इनिशियलाइज किया है तो इसने एरर शो कर दिया 127 सर्विस कार एरर। अब हम इस प्रिंटर को खोलेंगे और इस प्रॉब्लम को हम एरेडिकेट करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये हमने इसका साइड कवर खोला है और हमने देखा है कि इसका जो फैन है वो वर्किंग नहीं कर रहा। अब हम इसके जो फैन के पास वोल्टेज आते हैं वो डिजिटल मीटर के साथ देख रहे हैं। ये देखें, वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कार्ड इसका ओके है। और अब हम ये जो फैन है इसको चेक करेंगे उतार के कि आया इसके अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम इस कार्ड को ओपन कर लेंगे। ये वीडियो 127 कॉल एरर को रिमूव करने के लिए बहुत ही अहम है, आप इसको गौर से देखें। ये हमने इसका कार्ड उतार लिया है। अब हम इस फैन को भी रिमूव करेंगे। अब हम इसको फैन को वोल्ट दे के देखेंगे आया फैन ओके है या नहीं। ये देखें, ये अब हम इसके साथ जो वोल्टेज की वायर है वो लगाई है तो फैन जो है वो वर्किंग करने लग गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो फैन है वो भी ओके कंडीशन में है। अब हमने इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने इसको मूव करके देखा है तो इसकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो रही। देखा तो इसकी जो मैश है वो इसकी अंदर को आ गई है। अब हम मैश को प्रेस कर देंगे। और अब फैन जो है वो लगा के देखते हैं। ये देखें, अब जो फैन है वो इजीली मूव कर रहा है। ये अब हम इसका जो कार्ड है वो फिट कर देंगे।
वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सकें। ये हमने इसका कार जो है वो फिट कर लिया है। अब हम इस प्रिंटर को टेस्ट करेंगे, आया प्रॉब्लम एरेडिकेट हो गई है या नहीं। ये हमने प्रिंटर को ऑन किया है तो ये रेडी टू प्रिंट है। अब हम इसको डेमो पेज देके देखेंगे। ये देखें प्रिंट आ गया है, इसका मतलब है हमारा प्रिंटर ओके कंडीशन में है। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।